नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिक लोको नॉलेज में। आज हम आपको बताएंगे WAG9 लोको के मशीन रूम में लगे अलग अलग तरह के उपकरणों के बारे में। सो बने रहिए वीडियो में, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप K1 लोको पायलट साइड से मशीन रूम में एंटर करेंगे तो सबसे पहला उपकरण आपको MR टैंक लगा हुआ दिखेगा। MR टैंक के जस्ट नीचे की तरफ आप देख सकते हैं, वहाँ उसका ड्रेन कॉक लगा हुआ रहता है जिससे आप प्रेशर को ड्रेन कर सकते हैं। और उसी के जस्ट पास में ये लोहे का वेट रखा हुआ रहता है H टाइप का, जिसको जिससे ट्रैक्टिव एफर्ट बढ़ाया जाता है लोको में। और उसी के जस्ट पास में HB1 पैनल लगा हुआ है, ऑक्सिलरी क्यूबिकल, जिसमें अलग अलग उपकरणों की MCB लगी हुई है। सारी MCB 3 फेस टाइप MCB होती है। ये अगर MCB ट्रिप होती है तो इनको रिसेट करने के लिए केवल आपको VCB ओपन करना होता है, सी ऑफ करने की ज़रूरत नहीं होती है। और उसी के जस्ट पास में ये आपका SB1 पैनल, कंट्रोल क्यूबिकल पैनल है। इसके अंदर सारी 110 DC वोल्ट से ऑपरेट होने वाली MCB और ये कुछ ऑपरेशनल स्विच लगे हुए होते हैं। इसमें अगर कोई भी MCB ट्रिप होती है तो आपको लोको में MC ऑन ऑफ करके ही इसको रिसेट करना होता है। और SB1 पैनल के जस्ट पास में ये देख सकते हैं आप ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 लगा हुआ है। ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 सिंगल फेस सप्लाई को 3 फेस में कन्वर्ट करके ऑक्सिलरी को सप्लाई करता है। ऑक्सिलरी कन्वर्टर के जस्ट पास में ये आप देख सकते हैं, ये MRB1 लगा हुआ है। MRB1 एटमॉस्फेयर से एयर को सक करके मशीन रूम को ठंडा करने के लिए कूलिंग एयर प्रोवाइड करता है, एवं साथ ही ऑक्सिलरी कन्वर्टर को भी कूलिंग एयर प्रोवाइड करता है। इसके जस्ट पास में ये इसका स्कैनिंग ब्लोअर लगा है। मशीन रूम ब्लोअर जो एटमॉस्फेयर से एयर को सक करता है, उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल आ जाते हैं जिसको ये फिल्टर करके बाहर जाने देता है। अब MRB1 के जस्ट पास में ट्रांसफार्मर का ऑयल गेज लगा हुआ है। यहाँ पे आप ऑयल का लेवल देख सकते हैं, देखिए मैक्सिमम और ये मिनिमम के बीच में ऑयल का लेवल होना चाहिए। इसी के जस्ट पास में बीदर वाल लगा है, जिसके अंदर ब्लू कलर की सिलिका जेल भरी। ट्रांसफार्मर कंजर्वेटर टैंक के जस्ट पास में ये SR1 लगा होता है। देखिए SR1 इस तरह का एक और SR लगा है, वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। SR1 का मेन काम है सिंगल फेस सप्लाई को पहले DC में कन्वर्ट करता है, और उस DC सप्लाई को 3 फेस में कन्वर्ट करके आपके ट्रैक्शन मोटर को प्रोवाइड करता है। अब ये देखिए SR1 में यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये SR1 का ऑयल लेवल देखने के लिए यहाँ पे गेज लगा हुआ है, मैक्सिमम और मिनिमम मार्क इस पे दिया हुआ है। और इसका जो ऑयल पंप है वो इसी के अंदर इनबिल्ट किया हुआ है। किसी किसी SR में ऑयल पंप यहाँ बाहर की तरफ लगा हुआ रहता है। अब SR1 के जस्ट पास में आप ये देख सकते हैं, ये OCB1 है। OCB1 SR1 और ट्रांसफार्मर 1 के ऑयल को ठंडा करने के लिए कूलिंग एयर प्रोवाइड करता है। और OCB1 के जस्ट पास में आप देख सकते हैं, ये पूरा न्यूमेटिक पैनल है। ये इम्प्रूव CCB लोको है, इसलिए इसमें ये नॉर ब्रेक न्यूमेटिक पैनल है। इसमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आइसोलेटिंग कॉक्स लगे हुए हैं, जिसकी डिटेल वीडियो हम आपको बाद में बनाकर इसकी जानकारी देंगे। और ये देख सकते हैं आप, ये MCPA या बेबी कंप्रेसर लगा है, जो कि पेंटो रेस करने के लिए प्रेशर स्टार्टिंग में बनाता है। न्यूमेटिक पैनल के जस्ट पास में ये जो लगा हुआ उपकरण है, इसको बोलते हैं TMB2। TMB2 इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बोगी 2 साइड लगा हुआ है, और बोगी 2 की सारी ट्रैक्शन मोटर जस्ट नीचे की तरफ लगी है, तो उसको कूलिंग एयर यहाँ से प्रोवाइड करता है। TMB2 ट्रैक्शन मोटर को ठंडा करने के लिए कूलिंग एयर प्रोवाइड करता है। उसी के जस्ट पास में ये उसका स्कैनिंग ब्लोअर, TMB2 और OCB1 का स्कैनिंग ब्लोअर है।
जो कि डस्ट पार्टिकल को रिमूव करके बाहर जाने देता है। ये फिर से यहाँ पे एक वेट रखा हुआ है और उसके जस्ट पास में ऑक्सिलरी रिजर्वायर है, उसका ड्रेन कॉक आप देख सकते हो नीचे की तरफ उसका ड्रेन कॉक लगा हुआ है। और यहाँ पे एक बड़ा फायर एक्सिक्यूशन रखा हुआ है। अब इधर आगे बढ़ेंगे तो देखिए हम आ गए हैं कैब टू में। अब कैब टू लोको पायलट साइड से अब अंदर की तरफ आएंगे मशीन रूम में, तो सबसे पहले ये MR2 टैंक लगा हुआ है। ठीक है, आगे फिर से वही वेट रखा हुआ है और आगे लगभग सभी वही उपकरण हैं। बस इस रो में आपके HB1, SB1, OCB1 इस तरह के उपकरण थे। यहाँ पे HB2, उसके बाद में SB2, ये है जो ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 और 3, और ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 और 3 के बाद में MRB2, ये MRB2 लगा हुआ है। MRB2 के जस्ट पास में फिर से देख सकते हैं आप उसका स्केंजिंग ब्लोअर, और ये TFP2 का ऑयल लेवल देखने के लिए यहाँ पे ये केज लगा हुआ है। और इसके जस्ट पास में ये SR2 लगा हुआ है। SR1 इधर सामने की तरफ लगा हुआ है और SR2 ये लगा हुआ है। और SR2 के जस्ट पास में ये लगा हुआ उपकरण है OCB2। इन सभी उपकरण के फंक्शन हम आपको स्टार्टिंग में बता चुके हैं। OCB2 के जस्ट पास में ये लगा हुआ है हार्मोनिक फिल्टर, जो कि उच्च तीव्रता वाली तरंगों को दबा देता है, जिससे लोको में होने वाले खराबी को बचाया जाता है। और हार्मोनिक फिल्टर के पास में ये लगा हुआ है TMB1, क्योंकि ये ट्रैक्शन बोगी 1 की तरफ है, इसलिए इधर इसको TMB1 बोलेंगे। TMB1 के पास में ये उसका स्केंजिंग ब्लोअर लगा हुआ है, जो कि TMB1 और OCB2 के लिए काम करता है। और यहाँ पर ये एक और फायर एक्सिक्यूशन लगा हुआ है।